बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म को लेकर आए दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आती ही रहती है। 5 जून को ईद के मौके पर रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर हाल ही में हमने आपको बताया था कि सलमान ने फैसला किया है कि उनकी इस फिल्म के टिकट के दाम नॉर्मल रहेंगे। कहा तो ये भी गया था कि टिकट के दाम आमिर की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के टिकट जैसे नहीं होंगे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसे जानने के बाद भाईजान के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म भारत के लिए दर्शकों को महंगे टिकट ही खरीदने होंगे। फिल्म को थिएटर्स में दिखाने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से इस बारे में करार लिया गया है। सिंगल स्क्रीन्स को इसी शर्त पर फिल्म दी गई है कि वे टिकट्स के रेट कम नहीं करेंगे। इस फिल्म को लेकर शर्त रखी गई है कि सिनेमा टॉकीज को ये फिल्म तभी मिलेगी जब टिकट का रेट वही रहेगा जितना आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का था। इसी के साथ तय हो गया है कि दर्शकों को फिल्म देखने के लिए महंगा टिकट खरीदना होगा। कहा जा रहा है कि फिल्म के राइट्स देने से पहले इसे रिलीज कर रहे तमाम सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्स से टिकट रेट को लेकर करा लिया गया है। इस लिहाज से दर्शकों को मल्टीप्लेक्स में टिकट के लिए करीब 3 गुना ज्यादा रुपए देने होंगे, जबकि सिंगल स्क्रीन टॉकीज में भी टिकट 60 रुपए और 80 रुपए से कम नहीं रहेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि सलमान ने अपने उन फैंस को ठग लिया है जो ये सोच रहे थे कि भारत की टिकट सस्ती होंगी। बता दें कि फिल्म में सलमान के साथ कटरीना कैफ, दिशा पाटनी और सुनील ग्रोवर जैसे स्टार्स इम्पोर्टेंट रोल में हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि भारत के टिकट रेट बढ़ने से फिल्म की कमाई पर क्या असर पड़ता है। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।